दोस्तों, ये जो फ्रेम में आप गाड़ी देख रहे हैं ना, इस गाड़ी की खास बात ये है कि ये आपको भाई सबसे कम प्राइस रेंज में एडास लेवल 2 के फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इस गाड़ी में। और भाई जहां आपको और कंपनियां स्कीम बेनिफिट्स नहीं देती है, वहां पे ये आपको भाई अच्छे खासे स्कीम बेनिफिट्स ऑफर कर रही है। डिटेल से बात होगी कि भाई क्या स्कीम मिल रही है, क्या फीचर्स हैं, क्या प्राइस रेंज इस गाड़ी की आपको देखने के लिए मिल जाती है जिसमें एडास लेवल 2 आता है। तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ भाई, चैनल में आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। सामने हमारे गाड़ी खड़ी है भाई होंडा एलिवेट, इसका टॉप एंड वेरियंट खड़ा है, यानी ZX CVT वर्जन हमारे सामने खड़ा है। और इस गाड़ी की एक्सोरूम वैल्यू बताऊं तो भाई यह आपको पड़ जाता है मात्र 16,43,000 रुपए का एक्सोरूम। अब सोचो भाई, 16,43,000 रुपए में आपको एक ऑटोमेटिक गाड़ी देखने के लिए मिल जा रही है जिसमें आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं। ऑन रोड आता आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड पड़ती है 19.25 लाख रुपए के आसपास। बात यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको मिलता है अच्छा खासा कस्टमर बेनिफिट। अप टू 65,000 तक का कस्टमर बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। हो सकता है उससे भी बेहतर आपको डील मिल जाए, बट वो डिपेंड करता है आपके डीलर पे। और ये जो बेनिफिट है भाई, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर आप वो सारी फुलफिल करेंगे तो ये सारा कस्टमर बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। बट अगर आपको बेस्ट डील चाहिए तो भाई मैंने जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां पे जाके इन्हें कॉल कर सकते हैं और बेस्ट डील यहां पे से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन भाई मेंशन करना मत भूलना कि आपको कहां से ये इन्फॉर्मेशन मिली है। और फ्रंट में खड़े हैं तो बात करेंगे सबसे पहले इस गाड़ी की चौड़ाई की। तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है 1790 mm की चौड़ाई। इसका जो फ्रंट फेशिया है ना, वही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है और वही सबसे ज्यादा बल्कियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। जो अगर इसका पूरा बम्पर सेक्शन आप देखेंगे तो काफी ब्रॉड आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रिल पोर्शन भी अगर आप देखते हैं तो काफी ब्रॉड में देखने के लिए मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में आपको होंडा का लोगो मिल जाएगा चमचमाता हुआ, और ऊपर से ही आपको यहाँ पे क्रोम का पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाता है जो पूरा आपका हेडलैम्प तक का कनेक्टेड आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे बात करेंगे तो स्किड प्लेट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है जो सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है। और हेडलैम्प असेंबली की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिलते हैं LED हेडलैम्प, और देखिए दो दो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, यानी एक लो बीम है एक हाई बीम में आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो ऊपर से आपको डे टाइम रनिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, और इसी में आपको इंडिकेटेड इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। फॉग लैंप्स की बात करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे LED में ही देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे आपको हल्का सा कट भी देखने के लिए मिलेगा। ये स्टेबिलिटी के लिए रहता है भाई, जब जितनी एयर कटिंग होगी उतनी गाड़ी आपकी स्टेबल भी चलती है। हुड में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको कर्टन क्रीजेस देखने के लिए मिलते हैं जो गाड़ी के लुक्स को बल्जियर यहाँ पे बनाते हैं। भाई एक चीज तो है भाई, खास बात यहाँ पे कि ये गाड़ी आपको फ्रंट से जब आप देखते हैं तो काफी बल्कियर और हैवी लगती है, जिस वजह से गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफी अच्छी खासी निखर के आती है। अभी भाई फ्रंट से ही बल्कियर नहीं है, साइड से भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी काफी अच्छी खासी बॉक्सी शेप में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। और लंबाई की बात करूंगा तो 4312 mm की लंबाई यहाँ पे आपको ओवरऑल देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी की। और अगर ओवरऑल हाइट की बात करूंगा तो भाई वो भी आपको 1650 mm की मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे रूफ रेल भी देखने के लिए मिल जाएगा सिल्वर कलर में, और यहाँ पे आपको भाई ये मैट ब्लैक में B+ देखने के लिए मिलते हैं। डोर हैंडल्स में आपको क्रोमिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा, स्मार्ट की एंट्री का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आपको की होल भी देखने के लिए मिलेगा। OVM में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई LED टर्न इंडिकेटर्स OVM में ही देखने के लिए मिल जाते हैं। साइड में खड़े हैं, टायरों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं भाई डायमंड कट एलॉय व्हील्स, काफी अच्छा खासा मिलता है। स्पोक में आपको देखने के लिए मिलते हैं, और फ्रंट में डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे तो 215, 55 और 17 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फेंडर में क्लैडिंग वाला वर्क है, डोर्स में भी आप देखेंगे तो आपको क्लैडिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाएगा, काफी अच्छा खासा लगता है, एक्सपोजर बाहर निकल के आता है। सबसे अच्छी बात क्या है भाई, यहाँ पे गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm का है, इतना इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है भाई, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। और व्हील बेस की बात करूंगा तो वो भी आपको 2650 mm का देखने के लिए मिलता है, यानी अच्छा खासा व्हील बेस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। रियर टायर्स में बात करूंगा तो यहाँ पे आपको ओनली ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे विंडो में भी आपको क्रोम गार्निशिंग का वर्क देखने के लिए मिल जाता है। टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको क्रोमिंग का वर्क तो मिलता ही है, लेकिन डिसेंसी बरकरार रहती है। पूरा पीछे से देखते हैं तो भाई ये देखिए गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। जो यहाँ पे आप देखेंगे टेल लैंप्स, जब गाड़ी की लाइट्स बंद रहती है तो ऐसा लगता है ये पूरा कनेक्टेड आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन ये भाई याला जो पोर्शन है ये आपका ओनली रिफ्लेक्टर का वर्क यहाँ पे करता है। यहाँ पे टेल लैंप्स की अगर ये बात करेंगे तो ये आपको पूरा LED में देखने के लिए मिलेगा। इंडिकेटर जो मिलते हैं वो आपको हेलोजन में मिलते हैं, रिवर्स लैंप आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको IVTEC की बैजिंग है। नीचे बम्पर सेक्शन में आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, और चार पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं। डिफ्यूजर वाला पार्ट आपको सिल्वर कलर में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो एलिवेट की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे IVTEC की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। सेंटर में होंडा का लोगो आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको वाइपर है, डिफॉगर है, वॉशर है, हैमंड स्टॉप लाइट यहाँ अंदर से ये देखने के लिए मिल जाती है, प्लस आपको शार्क फिन एंटीना यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। को ड्राइवर साइड चलते हैं तो भाई ये देखिए
को ड्राइवर साइड गाड़ी का लुक सेम एज इट इज वही है। यहाँ पे भी आपको भाई स्मार्ट की एंट्री का बटन देखने के लिए मिल जाएगा को ड्राइवर साइड में, और यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी आपको 40 लीटर की देखने के लिए मिलती है। भाई ये थोड़ा सा कम नहीं मिलती आपको, लेकिन भाई इसका माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है जो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। 17 KMPL तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है, लेकिन लोग इससे काफी अच्छा खासा माइलेज दे रहे हैं, 19 तक का माइलेज निकाल रहे हैं। बूट की बात करेंगे तो भाई ये देखिए सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे आपको कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। और ये है भाई यहाँ पे बूट स्पेस, सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 458 लीटर का। और यहाँ पे देखेंगे तो बूट लैंप भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हैंगिंग के लिए ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे भी हैंगिंग के लिए मिल जाएगा। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। सीट्स यहाँ पे आपको 60-40 देखने के लिए मिल जाती है, स्प्लिट जैसा आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भाई सपनी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगी, स्टील व्हील रिम में मिलती है, बाकी टूल किट वगैरह कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखी गई है। काफी अच्छी तरीके से मैनेज भी किया गया है बूट को, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड में भी स्पेस मिल जा रहा है, यहाँ पे भी साइड में स्पेस मिलता ही मिलता है। और ये चीज भी काफी चौड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी इजी टू वे में आप एक्सेस कर सकते हैं अपने लगेज को। तो बूट में कुछ इतना ही है भाई, बूट को कर देते हैं यहाँ पे से हम बंद, चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है एक बार चेक करते हैं उसे। तो भाई ये देखो जैसे ही डोर खोलता हूँ ना, तो ये देखिए भाई ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जा रहा है। सिल्वर का तड़का भी, सिल्वर है या हल्का सा ग्रेश आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। डोर हैंडल भी आपको उसी में मिलता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या है कि भाई आपको लेदराइट में सॉफ्ट टच यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको वही लेदराइट का सॉफ्ट टच मिल जाएगा। स्टिचिंग आपको देखेंगे तो वही ग्रेश पैटर्न में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। 4x4 पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ड्राइवर साइड वाला ऑटो में है, सेंटर लॉकिंग के बटन, ओवा भी हम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। टॉप एंड में तो भाई मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस है, मैप पॉकेट है, और यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ट्विटर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। गाड़ी में आपको 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, टॉप एंड है तो आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन अब आपको ये इसके बेस वेरिएंट से भी देखने के लिए मिल जाते हैं, वो आपको एक आर करके एडिशन देखने के लिए मिलेगा जिसमें 6 एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुशनिंग यहाँ पे आपको ठीक ठाक मिल जाती है सीट्स की, लेदराइट में आपको देखने के लिए मिलती है पूरी की पूरी। यहाँ से आप गाड़ी का फ्यूल टैंक का लीड ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप गाड़ी का हुड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये हेडलैम्प लेवलर मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे एसी वेंट मिलेगा, यहाँ पे आउटर में देखिए वही डोर वाला पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है जो इल्यूमिनेट करता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। बाकी चलते हैं गाड़ी के अंदर। और चाबी आपको मिलती है भाई कुछ इस तरीके से, ये देखिए आप देखेंगे ना ये होल्ड वाला जो बटन है इसको आप दबाए रखेंगे तो आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी बाहर से ही, यानी ये है अच्छा खासा फीचर यहाँ पे आपको मिल जाता है। और दरवाजा कर लेते हैं बंद। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देखिए भाई अगर देखेंगे तो देखने में तो प्रीमियमनेस फील होता है भाई, जो ये आपको टैन में मिलता है यानी ब्राउनिश लेदर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी की तरफ ये आपको देखने के लगता है, एक फील अप मार्केट वाला यहाँ पे आपको लगता है। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो भाई ये बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम मिलता है 10.25 इंच का मिलेगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है, वायरलेसली मिलती है, वायर के साथ नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एसी वेंट, सेंटर में आपको हैजर्ड लैंप का बटन मिल जाएगा, ये वाला पैटर्न देखिए सॉफ्ट टच है। यहाँ पे आपको वुडन फिनिशिंग भी देखने के लिए मिल जाती है, ऊपर तो खैर आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलेगा। इसको ऑन करते हैं एक बार, ये देखो भाई ऐसे करता है ये इल्यूमिनेट, और एक और बार दबाएंगे तब आपका ये चीजें ऑन करेगा। अरे सब चीज गायब है, ओह माय गॉड क्या बात है भाई, इसमें आया मजा। ओहो यहाँ पे भी एलिवेट लिखा हुआ आया। तो ये देखिए भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में आरपीएम मीटर, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर, सेंटर में आपको छोटू सा डिस्प्ले मिल जाएगा, है तो पूरा डिजिटल ही लेकिन सेंटर में थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा भाई MMID डिस्प्ले है। अभी मैं सीट में बैठा हूं तो देखिए यहाँ पे क्रॉस आ गया है, सीट बेल्ट जब पहनूंगा तो क्रॉस अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि 5 के 5 पैसेंजर्स को आपको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। बाकी फ्यूल का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, बाकी आप इसे यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे बटन, यहाँ पे देख क्रूज कंट्रोल वाले ये एडास लेवल 2 के बटन से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और इसका मिलते आपको। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको एक देखने के लिए मिल रहा है, ये मीटर की लाइट कम करने के लिए है, ये देखिए जितना कम करना आप चाहते हैं या जितना आप बढ़ा के रखना चाहते हैं यहाँ से आप इसकी मीटर की लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये होम बटन है, अच्छा ये तो यहाँ से आपका ये चेंज होगा, सेफ्टी सपोर्ट ये हो गया, और भी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। देखिए सेटिंग है, कस्टमाइज डिस्प्ले है, इन्फॉर्मेशन है, टैकोमीटर को आप चेंज करना चाहते हैं क्या, कुछ ऐसा ही यहाँ पे होगा। ओहो मतलब इसे जितना छेड़ते रहोगे उतना आपको पता चलता रहेगा भाई, बाकी वीडियो तो बहुत लंबी बन जाएगी फिर ऐसे। फिर ये देखो भाई, ओहो ये देखो अभी इसे खोलता हूँ ना, ये
यहाँ पे दिख रहा है हमें एक बंदा बैठा हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई ब्लाइंड व्यू मॉनिटर देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उस ओआरपीएम के नीचे आपको एक कैमरे की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाती है। वो काम तब करता है या तो जब आप इंडिकेटर देंगे तब आपका काम करता है। ये देखिए आपको पूरा वहाँ का व्यू दिखा रहा है और साइड में आपको डोर हैंडल भी दिखा रहा है। ये देखिए थोड़ा सा फ्लिक कर रहा होगा वीडियो में, ये चीज है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको मैक्स कूलिंग का फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट भी मिल जाएगा। यहाँ पे टाइप ए के दो पोर्ट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे क्या मिलता है, ये अच्छा ये बटन ऑन और ऑफ, मतलब वायरलेस चार्जिंग को ऑन और ऑफ करने का है। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा भाई ये गियर नॉब, कुछ इस तरीके से मिलता है, सिंपल सा देखने के लिए मिलेगा। 7 स्पीड ट्रांसमिशन में आपको देखने के लिए मिलता है भाई सीवीटी, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो होंडा का ही अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है। बाकी पी आर नहीं, ये तो हो गया और बाकी की मैंने आपको दिखा दी। और यहाँ पे आपको प्लेस मिल जाता है भाई, ये किस चीज के लिए मिलता है आपको मालूम है, ये आपको मिलता है फोन रखने के लिए, आप अपना फोन यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। बाकी भाई आर्म रेस्ट यहाँ पे मिलता है कुछ इस तरीके से, ये देखिए भाई स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भाई इस एसी में ना ये खाली नॉर्मल एसी नहीं है, यहाँ पे आपको इसमें एयर प्यूरिफायर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फिर यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो भाई ऑटो डिमिंग आईआरएम मिलेगा, रीडिंग लैंप्स आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे एलईडी में, सनरूफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है भाई, नोट छोटा वाला सनरूफ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब पैनोरमिक नहीं मिलता। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से स्पेस यहाँ पे आपको ग्लोब बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ग्लोब लैंप वगैरह कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता, इसे बंद कर देते हैं। स्टीयरिंग व्हील में फिर से आते हैं तो ये आपको क्या टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है, कहाँ गया इसका, ये है, ये टिल्ट तो है, टेलीस्कोपिक भी आपको मिल जाता है भाई, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक तो आपको मिलेगा, टॉप एंड है इसमें तो मिल रहा है, लोअर वेरिएंट्स में आता नहीं आता उसका भाई मुझे भी अभी मालूम नहीं है। बाकी यहाँ पे साइड कर्टन एयरबैग्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको देखिए वैनिटी मिरर मिल जाता है भाई, ड्राइवर साइड भी और यहाँ पे को ड्राइवर साइड भी, यहाँ पे आपको लैंप भी मिल रहा है, लेकिन आपको ड्राइवर साइड में शायद लैंप नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या, यहाँ पे लैंप नहीं दिया भाई, यहाँ पे खाली जगह खाली है, ये वहां पे तो मिल रहा है लैंप। अब बात करता हूँ कंफर्ट की, तो भाई ये देखिए कंफर्ट की बात करूंगा तो सीट्स की कुशनिंग तो अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन भाई अगर मैं बात करूँ ना अंडर थाई सपोर्ट यार यहाँ पे कम देखने के लिए मिलता है, उतना प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। बाकी सॉफ्ट अच्छा है और हेडरूम स्पेस आपको मिल ही जा रहा है, जिसे तो आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपको साइड में एडजस्टर दे रखा है सीट का। और सीट्स की चौड़ाई भी थोड़ी सी कम चौड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, अगर मुझसे कोई हेल्थी बंदा बैठेगा ना तो शायद उसको थोड़ा सा बाहर निकलेगा इससे। बाकी गाड़ी में और कोई कमी नहीं है और चलते हैं पीछे की साइड देख लेते हैं, पीछे की साइड आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। पीछे से दरवाजा खोलते हैं तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, सेम वही पैटर्न मिलता है जैसा आपने फ्रंट डोर में देखा था। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच है लेदर राइट में, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मिल जाएगा, डोर हैंडल आपको कुछ वही ग्रेश पैटर्न में देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच है, स्पीकर की प्लेसिंग, स्पीकर की प्लेसिंग, बॉटल होल्डर स्पेस, मैप पॉकेट, टोटल 8 स्पीकर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जो 8x8 स्पीकर हैं दरवाजों में। और रियर का इंटीरियर भाई आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से देखने के लिए मिलता है भाई, देखने में तो बड़ा प्रीमियम लगता है, क्योंकि जो ब्राउन कलर का दे रखा है ना ये काफी अच्छा लग रहा है, फील अप मार्केट कराता है एकदम। और भाई सेंटर में आर्मरेस्ट है, रियर एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे आपको देखिए 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा। बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर ये, और दरवाजा करते हैं बंद। तो भाई ये देखिए यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट जरूर देखने के लिए मिल जाती है ड्राइवर सीट के पीछे, को ड्राइवर सीट के पीछे भी मिलती है, और एक मोबाइल पॉकेट भी देखने के लिए मिलती है, एक छोटी पॉकेट और मिलती है। और यहाँ पे भी आपको एलईडी में रीडिंग लैंप का ऑप्शन मिल जाएगा, ग्रैबिंग हैंडल है, यहाँ पे भी ग्रैबिंग हैंडल है, प्लस यहाँ पे आपको देखिए कोट हैंगर भी देखने के लिए मिलता है। इसमें होंडा ने ये चीज अच्छी कर दी कि भाई ये अब आपका नीचे नहीं लड़ता है, एक उसमें एक हाइट में तो दे देगी, जिसमें आप बैठेंगे तो आपको ठीक ठाक फील होता है, यहाँ पे ये चीज अच्छी कर दी। बाकी इसे बंद कर देते हैं और 3x3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फ्रंट के तो खैर आते ही आते हैं। और अब बात करूंगा कंफर्ट की, तो भाई ये देखो कंफर्ट की बात करूंगा तो रिक्लाइनिंग एंगल ठीक है, मतलब मैं इतना नहीं कहूँ बहुत अच्छा खासा है, ठीक है, मैनेजेबल है। हेडरूम स्पेस अच्छा खासा मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा ऊपर को देखने के लिए मिल जाता है, मतलब मेरी हाइट से भी अच्छा बंदा यहाँ पे बैठ सकता है, मेरी हाइट वैसे 5.7 इंच की है। बाकी कुशनिंग वगैरह तो भाई ठीक ही, आगे भी मैंने बता दिया कुशनिंग अच्छी है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा कम ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन आगे के मुकाबले तो फिर भी थोड़ा सा पीछे ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई लॉन्ग हाइटेड बंदा होगा तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई अंडर थाई सपोर्ट कम मिल रहा है। बाकी लेगरूम स्पेस, नीरूम स्पेस में कोई दिक्कत नहीं, ये काफी अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि व्हील बेस अच्छा खासा मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो था कुछ इसका इंटीरियर, अब बात करते हैं इसके इंजन में, चलते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं।
तो भाई यह है कुछ इसका इंजन। भाई इंजन काफी बड़ा देखने के लिए मिल जाता है भाई, 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने के लिए मिलता है भाई यहाँ पे आपको। पावर की बात करूंगा तो 119 bhp की पावर है। टॉर्क यहाँ पे आपको 145 न्यूटन मीटर का देखने के लिए मिलता है भाई। अच्छा खासा टॉर्क भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, पावर भी अच्छी खासी है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ और गाड़ियां आपको टर्बो इंजन दे रही है, यहाँ पे आपको टर्बो नहीं मिलता क्योंकि होंडा तो भाई पहले से ही जाना जाता है अपने पेट्रोल इंजन के लिए है। बाकी यहाँ पे आपको देखिए हुड में इंसुलेशन है, पीछे भी इंसुलेशन का वर्क आपको मिल जाएगा, नीचे से इंजन प्रोटेक्टर शीट मिल जाती है, ब्रेकिंग्स में ABS ABD ब्रेकर्स जैसे फीचर है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP जैसे फीचर है, एडास लेवल 2 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई। फीचर्स तो और भी आपको मिल जाते हैं। और अगर वारंटी की बात करूं तो भाई 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी देती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और माइलेज की बात करूं तो भाई 17 KML का माइलेज कंपनी कह रही है, बाकी जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं यानी बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे ही करेगा। वैसे जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने कहा है कि भाई इससे वो 18-19 तक का माइलेज ऑन हाईवे में निकाल रहे हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस होंडा एलिवेट के बारे में, इसका टॉप एंड वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है, ZX CVT वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। मैंने आपको इस गाड़ी की प्राइस रेंज भी बता दी, ऑफर्स भी मैंने बता दी भाई कितने मिलेंगे और उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन है, उन्हें आप कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बेटर डील दे सकते हैं। अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से कहूं तो भाई ये गाड़ी बहुत बेस्ट है, लुक वाइज में कह लीजिए या आप इसके फीचर्स वाइज में भी कह लीजिए, तो आपको इसमें सारी चीजें देखने के लिए वैसे मिल ही जाती है। कुछ कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते, जैसे कि आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है, जैसे कि आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, जैसे कि आपको पैनोरमिक सनरूफ नहीं मिलता है, लेकिन आप इन चीज को डिनाई कर सकते हैं जब आप प्राइस रेंज में आते हैं। तो काफी बजट फ्रेंडली यहाँ पे आपका ये इसका प्राइस हो जाता है, क्योंकि एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ भाई, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं भाई, वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।